ये गाड़ी मैंने अभी तक इस गाड़ी का रिव्यू नहीं किया हुआ है, बस गाड़ी का रिव्यू बनता है भाई। रोड परफॉर्मेंस इतनी तगड़ी है ना इस गाड़ी की, मतलब ये देख रहे हो, ड्रम चेक करो, अलॉय चेक कर रहे हो भाई। सबसे पहले ना इसकी की चेक करो भाई, की चेक करो, ये की है क्या भाई, ये चेक कर रहे हो, मतलब जैसे सुपर कार होती ना वैसे वैसे की है इस गाड़ी की। ये देखो लुक है ना भाई, वो ए क्लास है और एक नंबर है भाई। पापा पता नहीं डिक्की कैसे खुलती है, डिक्की ऐसे खुलेगी इसकी भाई। वो डिक्की इतनी हैवी है ना, वो भाई साहब डिक्की ऊपर ही उठ रही। ये चेक करो गाड़ी की एग्जॉस्ट की आवाज सुनो, बस 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 चेक करो गाइस, मतलब पिछली बार सीट्स पूरी निकाल दी इन्होंने, तो ये चीज ना पीछे सिर्फ ऑडियो दिख रहा है आपको। सो इस गाड़ी पे ना मतलब मतलब दिल जैसा आ गया इस गाड़ी पर तुम्हें। और गाड़ी की हाइट कंपेयर की जाए ना तो गाड़ी की हाइट भी काफी ज्यादा है। फॉर्च्यूनर इस तरह की दिखती नहीं है, बट जैसे अगर इस गाड़ी की तैयार हुई है ना तो फॉर्च्यूनर कुछ अलग ही लग रही है भाई। फ्रंट लुक चेक करो, फ्रंट लुक कुछ इस तरह की है गाड़ी की। तो बाकी सब चीजें बाद में चेक करेंगे, चलते हैं अंदर ताकि थोड़ा बहुत कुछ खाते पीते हैं, देन उसके बाद। सो कुछ दिक्कत हो चुकी थी जिस कारण हम रुके थे भाई। सो इसके एक ना सर फिरा मेरा बंदा जो पीछे दिखा ना हमें, सो उसने क्या किया कि भाई अपनी जमीन पर गाड़ी है ना, तो उसको पत्थर मारा काफी तेज से, जिस कारण उस गाड़ी में डेंट भी पड़ा हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। सो फिलहाल हम बात कर रहे थे इसके इंटीरियर की, फिलहाल उसके बाद हम इंटीरियर के अंदर से बात की जाए। सो गाड़ी के सीट कवर, गाड़ी का डैशबोर्ड, गाड़ी की मतलब गाड़ी की साइड में देख रहे हो, ये सारी चीजें ना एक ही कलर की है। सबसे पहले आप इसका स्टीयरिंग देखो, कितनी अच्छी फिनिश है, ये सब लेदर रैप हुआ इस पे, ये सारा लेदर रैप हुआ, ये पूरा सारा ये लेदर रैप है, ये पेंट हुआ है, ये पेंट हुआ ना, ये पेंट हुआ है, ये पेंट हुआ है, ये डोर्स में ये देखो ये लेदर है, ये ऊपर ये पेंट है, ये नीचे लेदर है, तो ये पैनल्स अलग है, पैनल्स अलग है, हाँ ये चीज हाइड्रो डिप हुआ है सामने, ठीक है, ये भी सारा ये हाइड्रो डिप हुआ है, मतलब गाड़ी की जो ना ज्यादा शाइन कर रही है गाड़ी, ये हाइड्रो डिप से कर रही है, पता है इससे कुछ ज्यादा लुक दे रही गाड़ी। उसके बाद जो ये चीज आती है इनको पेंट किया गया है ग्लॉस ब्लैक में, ये ऊपर वाले पैनल हो गए, इतनी छोटी चीजें देख रहे हो ना आप, ये लोग ना बड़े कम लोग ना ध्यान देते हैं, मतलब लोग ध्यान देते ही नहीं है, बड़े कम लोग ध्यान देते हैं, मतलब बड़े जो गाड़ी के शौकीन होते हैं ना, सो वो छोटी छोटी चीजों का ना ध्यान देते हैं भाई। ये चीज मैं काफी नोट कर रहा था, ये क्या चीज है। सो ये माइक की बात कर रहे थे, सो भाई ने बताया कि माइक किस चीज के लिए, ये माइक है जैसे कॉल वगैरह आती है तो वो रिसीव करने के लिए, उसपे बात करने के लिए, ये इस टाइम पे जो ये मॉडल था उसमें ये फीचर नहीं था। अच्छा, ये भी इन्होंने ऐड करवाया है। सो ये चीजें ऐड की हैं, देन सबसे जो यूनिक चीज मुझे लगी ना, गाड़ी इन्होंने पुश स्टार्ट की हुई है ना, खुद की है ना, बिल्कुल पुश स्टार्ट की है इन्होंने और खुद अपने हाथों से की है, कहीं से करवाई नहीं है। ये देख रहे हो इन गाड़ियों में, ये गाड़ी कौन सा मॉडल है, ये 2017 और गाड़ी में इतनी स्मूथनेस है ना कि मतलब एक रुपए की आवाज बोलते ना वो भी नहीं है गाड़ी पहुंचने। पता है क्यों, मजे की बात बताएं क्या, इंजन में भी कुछ हुआ है इसके, वो क्या हुआ है, स्टेज टू रीमैप है, स्टेज टू रीमैप है, बिल्कुल जो कंप्यूटराइज करते हैं, बिल्कुल ना गाड़ी की डीजल की आवाज जैसी आती है ना तो उसकी उस जैसी आवाज नहीं है उस गाड़ी की। ये रीमैप तो मैं इतना पता नहीं है, मैं इतना जानता नहीं उस चीज के बारे में, बट ये है कि पता सुना है कि रीमैप होता है उससे गाड़ी की आवाज, गाड़ी जैसे 170 BHP के आसपास आती है, तो ये गाड़ी इस समय 250 BHP है, कंपनी से जो आती है 170 आती है, जैसे मेरी है जो पेट्रोल है वो 150 MPH है, तो नहीं 170 ये आती, देन वो अभी 250 हो चुकी है, समझ लो गाड़ी की फोर्स, गाड़ी का एंटॉर्क कितना ज्यादा हो चुका होगा, ये चीज तुम खुद गैस कर सकते हो। बाहर से बात करें जाए तो इस गाड़ी पे जो अलॉय डले है ना वो अप्रोक्स मेरे ख्याल से कितने के होंगे, वो है आपका टायर्स और अलॉयज डाल के 4.5 लाख, 4.5 लाख, मतलब वही फ्यूल काउंटर वाला हिसाब है, वो फ्यूल काउंटर से ये ऊपर का है, ये इन्होंने टायर्स इंपोर्ट करवाए हैं, टायर इंपोर्ट करवाए बाहर से, बायर आए हैं जो 1 लाख एक्स्ट्रा इन्होंने शिपिंग का ही दी है, शिपिंग का 1 लाख चार्ज शिपिंग का है, देन उसके बाद मतलब टायर पीछे लाइट चेक कर रहे हो वो देखो कुछ भी नहीं दिख रहा होगा तुम्हें, ये चेक कर रहे हो, और रात को इतनी सारी दिक्कत आती है लोगों को इस गाड़ी के अंदर क्योंकि इसकी लाइट इतनी हैवी है ना कि कुछ दिखता ही नहीं है। यहाँ पे लग रहे हैं काम, तो काम के चक्कर में ना मतलब ना कुछ बंदे तेज आते हैं, ओवरटेक के चक्कर में कुछ ना कुछ सीन हो जाता है, तो हाईवे पर बिल्कुल देख के जाया करो गाइस। वैसे चीजें हुई है जो मुझे पता नहीं है, टनल के अंदर तो ये चेक कर लो, एम्बिएंट लाइट, ये तो चलो कॉमन चीज हर गाड़ी में आजकल होती है, ऐसी कोई चीज बता दो जो कि बाकी गाड़ी में नहीं है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं इसके म्यूजिक सिस्टम के बारे में। हाँ, म्यूजिक सिस्टम भाई साहब, म्यूजिक सिस्टम सुनोगे ना, मैंने जम्मू कश्मीर के अंदर ना ऐसा म्यूजिक सिस्टम अभी तक किसी गाड़ी में ना सुना होगा ना देखा होगा। सर नंबर के बारे में छोड़ो, ठीक है इतने आ रहे हैं, सही है, हम उस बारे में बात नहीं करेंगे, हम मोटी बात करेंगे सिर्फ पैसे की, कितना पैसा लगा होगा आप गेस करो, ज्यादा बंदा कर सकता है 50-60 हज़ार से ऊपर म्यूजिक सिस्टम लगा सकता है, 50-60 हज़ार। हाँ, और थोड़ा और जाओ मल्टीप्लाई करो, चलो आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे 50 हज़ार को, 2 से 1.5 लाख, 1.5 लाख, नहीं नहीं सिस्टम कितना, थोड़ा और खींचो, 9.5 लाख का सिस्टम है, 9.5 लाख का सिस्टम है गाइस, साढ़े 9 लाख का सिस्टम बताया जा रहा है इस गाड़ी के अंदर। ऐसा क्या है सिस्टम के अंदर, इसके अंदर जो ब्रांड यूज हुए है वो मैस्कोनी यूज हुए और सनडाउन यूज हुए है, इटालियन ब्रांड्स है,
ये भी इम्पोर्ट करवाए गए हैं। सो गाइस सच बता रहा हूँ, मे भी अभी हम आपको थोड़ी म्यूजिक की आवाज़ सुनाएंगे, बट सच कह रहा हूँ, बेशक मुझे नहीं पता कितना पैसा लगा कितना पैसा नहीं लगा, मैं इसके कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, बट ये बताऊँ मतलब ऐसा म्यूजिक जो मैंने ना सुना होगा और ना कभी अभी तक मतलब किसने देखा होगा यार, सच में कह रहा हूँ। जो इसका ये प्लेयर है, ये प्लेयर ही अकेला 1 लाख का है ये वाला प्ले। सो हाँ भाई 9 लाख का सिस्टम होगा तो उसको चलाने के लिए भी तो कुछ लाख 1.5 लाख का सिस्टम चाहिए चाहिए भाई। इसमें आपकी HDMI लगी हुई है तो इसमें फायर स्टिक चाहिए, Amazon Play ठीक। ये कुछ चीजें थी जो कि भाई अपने ध्रुव भाई बताई हुई हमें, तो बाकी गाड़ी जो है ना वो पर भाई बता सकते हैं कि क्या क्या चीजें हो रहे, इस गाड़ी के मालिक हो रहे वो देख रहे हो पैसे वाली पार्टी। जब ये गाड़ी आई ना, सो जिस जगह गाड़ी उछली थी ना, तो मैं तो टोल तोड़ के आ गया था, मैंने गाड़ी इसलिए उनको दे दी, चलो कोई चक्कर नहीं ये भुगतेंगे, देख रहे हो। सो चलो निकलते हैं, बाकी गाड़ी की बात जो है ना बाकी भैया ने मेरे ख्याल से ध्रुव भाई ने सब कुछ बता ही दिया। एक चीज क्या रहेगी भैया, इसका सस्पेंशन, ये गाड़ी 4 इंच लिफ्ट है। हाँ वो चीज मैं भी बात भूल गया था, बट गाड़ी काफी अप लिफ्ट है, मतलब ज्यादा अगर टायर से बात की जाए ना तो 3-4 इंच तो टायर से सामने दिखती है कि इतना लिफ्ट है, टायर से 2.5 इंच है और 4 इंच वैसे लिफ्ट है किट के हिसाब से, तो भाई ने 6.5-7 इंच के बीच में। अच्छा तो भाई ने फुटरेस्ट उतार दिए, उस चक्कर में ना गाड़ी और अपलिफ्ट लगती है। तो चलो फिलहाल अभी टोल आ गया, तो भाई का एक रिचार्ज करना है उस चक्कर में ना। तो चलो भाई निकलते हैं आगे, आगे रश काफी ज्यादा है भाई, ये देख रहे हो अपने सब्सक्राइबर मिल चुके हैं कोई, तो चलो निकलते हैं गाइस यहाँ से, तो देखते हैं लस्सी भाई। तो बाकी ओवरऑल बात की जाए तो मुझे जहाँ तक प्रवीण ने बताया कि गाड़ी पे ना 22 लाख रुपए लग चुका है, 22 लाख कम नहीं होता, 22 लाख की थार नहीं, थार तो 7.5 लाख की आती है ना, सो मतलब एक थार मॉडिफाइड थार, हाँ मॉडिफाइड, जैसे मेरी गाड़ी 22 लाख अभी तक मॉडिफाई हो चुकी है, बट ये है कि कार लवर जो होते हैं ना भाई वो इन चीजों को ध्यान नहीं देते, उनको मतलब होता है कि गाड़ी हमारी गाड़ी अच्छी दिखनी चाहिए। मे बी आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, ये इसके पीछे चेक करो, ये लाइट दिख रही है इसके बीच में, ये इस गाड़ी की लाइट जो है ना उस गाड़ी में रिफ्लेक्ट हो रही है। मेन बात बोल के लाइट्स के बारे में बात की, लाइट्स है ना, हाँ ये इसमें 3 सेट लगे हुए हैं, 200 वाट के 200 200 200 600, मतलब जैसे 20 वाट का आपके घर पर ट्यूबलाइट होती है ना, मतलब 200 कर लो 20 का, मतलब आप 10 ऐसा कर लो 200 वाट की 3 लाइटें हैं, छोटे पूरी 3-3 छी होगी, दो ऊपर आ गई एक नीचे फॉग की, फॉग की भाई, तो ये चेक कर रहे हैं भाई बड़ा मोटा खर्चा है। 22 लाख आपको 22 लाख बोला है, झूठ कह रहे हैं कितना लगा हुआ प्रॉब, ये 35-40 के बीच में, मतलब पूरी गाड़ी या मॉडिफाइड, पूरी गाड़ी जो मॉडिफाइड, हाँ उन्होंने बताया कि मॉडिफाइड में मुझे 22 लाख लग गया ऊपर, मैं बता रहा हूँ 30-35 है, हाँ गाड़ी तो अलग से, गाड़ी अलग से भाई 35 लाख, ओ तेरी पर भाई ने मेरे से झूठ क्यों बोला भाई क्योंकि आप वीडियो बना रहे हो। अच्छा तो पर भाई ने झूठ इसलिए बोला क्योंकि फैमिली बंदे ने, काफी सारे बंदे वीडियो देखते हैं इसलिए भाई झूठ बोल लिया उन्होंने, कि भाई उन्होंने बता दिया कि भाई आपकी गाड़ी में तो उनकी गाड़ी 35 लाख लग चुके हैं भाई, तेरा घर जाएगा इसमें बेटा, तेरा घर जाएगा 3 BHK, तो इसलिए सोचे मत कि तुम्हें मॉडिफाई करवाना भाई, फास्ट टैग ये लगा हुआ भाई, मेरा भी यही लगा हुआ है, सो फास्ट टैग यहाँ पे आ चुके हैं, तो चलते हैं अब निकलते हैं आगे, बाकी हम बात करेंगे सीधा नेस्ट कैफे जाके अब। सो गाइस सच बता रहा हूँ इस गाड़ी को चलाने का जो फील है ना वो, ओ तेरी बता देना कि गाड़ी पार्किंग में लग चुकी है भाई। सो इस गाड़ी को चलाने का जो मजा है ना भाई एक नंबर है। सो अभी करते जाके परो भाई से बात, की परो भाई ने हमसे जोड़ के बोला भाई की गाड़ी 22 लाख के मॉडिफाई हुई है, सो मैं आपको दिखा दूं कि इस गाड़ी की लुक कुछ इस तरह की है भाई। सो इसका रिमोट, मेरे का रिमोट उठाया ना भाई आपने, हाँ ले लिया। सो गाड़ी का रिमोट जो है ना वो मैंने आपको दिखाया पहले कि किस टाइप का है,